आप भी टाटा पावर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपका एक मतलब कि इसको हम गुड डिसीजन बोल सकते हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस कंपनी के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो टारगेट है वो 2025 से लेकर 2028 के बीच में फुलफिल होंगे। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि करीब 5 साल के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी इस कंपनी में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। इसका एग्जांपल हम इसके बैक डेटा से ले सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस करीब 100 के आसपास था और सीधे एक महीने में यहाँ पर डबल हो चुका था, और 2021 के बाद से अभी 2023 चल रहा है, तब अभी तक इस कंपनी का जो कंसोलिडेशन फेस है मतलब कि 220 के आसपास से, और जो 250 का इसका एरिया है उसी के आसपास यह कंपनी मोस्टली ट्रेड करती रहती है। तो देखिए यहाँ पर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल गया होगा, करीब 50 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर था 2020 में, जो कि अभी बढ़कर 200 के आसपास हो गया, तो करीब 400% का पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर यहाँ पर किसी ने 100 रुपये पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर 200 का उसका रिटर्न हो जाता। तो यहाँ पर जो इसके टारगेट हैं 2025 तक कुछ टारगेट हैं, जिनमें से एक टारगेट इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने का है, और 2025 तक जो इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्थापित होंगे उनकी संख्या 1,00,000 होगी। और इसी के साथ इसके जो मेगा पावर प्लांट हैं वो भी 2025 26 27 और 28 तक स्थापित होंगे। इसका जो एक प्लांट तमिलनाडु में स्थापित होना है और दूसरा प्लांट कर्नाटका में स्थापित होना है, जो कि अच्छा खासा बिजली उत्पादन में सहायक होगा। तो जब यह प्लांट चालू हो जाएंगे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यह कंपनी दिखा रही है, कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। 2020 के बाद से अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 से बढ़कर अभी 200 के आसपास तक पहुंच गया है। मार्च 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 29,000 करोड़ था, जो कि मार्च 2021 में 32,000 करोड़ और मार्च 2022 में 42,000 करोड़ और 2023 में 55,000 करोड़ पर पहुँच चुका है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लगभग जो इसका सेल्स है वो डबल हो चुका है। इसी के साथ इसका OPM भी अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है, 10% से सीधा 14% पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को हमें देखना है, नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहा है रेगुलरली, 1,300 करोड़ था जो कि 3,800 करोड़ के पास पहुंच चुका है। तो सभी डेटा इसका पॉजिटिव है, EPS भी देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 3 से 10 पहुंच चुका है। तो पूरा जो डेटा है वो अच्छा खासा यहाँ पर हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी में यही सब पॉजिटिव पॉइंट हैं जो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो करीब 2027-28 का टारगेट रखें, डेफिनेटली इस कंपनी का शेयर प्राइस 500 के प्लस पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।